गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड ए। कल हम लोगों ने लेसन नंबर 1 फूड द फीडिंग हैबिट ऑफ एनिमल्स पढ़ रहे थे। उसके आगे आज उसी में फूड चेन खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत देखते हैं। इन द लिविंग वर्ल्ड ऑल एनिमल्स नीड ऑन अदर एनिमल्स आर प्लांट्स एंड इन टर्न बिकम फूड फॉर अदर एनिमल्स। इस संसार में सभी जानवर दूसरे जानवरों या पौधों पर निर्भर होते हैं और दूसरे पौधों या दूसरे जानवरों पर निर्भर होते हैं। दिस चेन ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन बाई ईटन इज कॉल्ड फूड चेन। यह खाद्य श्रृंखला कहलाती है। कहने का मतलब है कि पौधे मानवों पर निर्भर है, अगर हम उनको उनकी देखभाल नहीं करेंगे तो वो सूख जाएंगे। और ठीक इसी तरह से यदि पौधे नहीं होंगे तो हमें भी भोजन नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सभी जानवर पौधों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं। दस प्लांट इज ऑलवेज एट द बीइंग ऑफ फूड चेन। इस तरह से पौधे हमेशा भोजन प्रदान करते हैं। हियर ग्रास इज ईटन बाई ए ग्रास ऊपर। देखिए यहाँ एक फिगर दिया हुआ है, बुक में देखेंगे। हियर ग्रास इज ईटन बाई ग्रास ऊपर, यहाँ पर घास टिड्डे के द्वारा खाई गई। द फ्रॉग ईटन द ग्रास ऊपर, मेंढक ने टिड्डे को खाया। द फ्रॉग इज टर्न टू ईटन बाई स्नेक, और मेंढक को सांप ने खाया। एंड द ईगल ईट्स द स्नेक टू कंप्लीट द फूड चेन, और बाघ ने या गिद्ध ने सांप को खाया। इस तरह से खाद्य श्रृंखला पूर्ण हुई। फूड फॉर पेट एनिमल्स, पालतू जानवरों के लिए भोजन। एनिमल्स लाइक कैट डॉग्स एंड रैबिट्स लिव विद अस। बिल्लियाँ कुत्ते खरगोश आज हमारे साथ रहते हैं। दे आर कॉल्ड पेट एनिमल्स, उन्हें हम पालतू जानवर कहते हैं। दे आर यूजफुल फॉर अस, वे हमारे लिए उपयोगी हैं। डॉग्स गार्ड अवर होम्स, कुत्ते हमारे घरों की रखवाली करते हैं। वी शुड टेक गुड केयर ऑफ देम, हमें उनकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। वी शुड प्रोवाइड देम गुड फूड एंड शेल्टर टू कीप देम हेल्थी एंड सेफ, हमें उनको अच्छा भोजन और अच्छा रहने का स्थान देना चाहिए ताकि वह सुरक्षित और स्वस्थ रहें। फूड फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स, पालतू जानवरों के लिए भोजन। एनिमल्स लाइक काउस शीप हॉर्स एंड चिकन्स आर यूजफुल टू अस एंड लिव विद अस। जानवर जैसे गाय भेड़े घोड़े मुर्गियाँ चूजे इत्यादि हमारे साथ रहते हैं। दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स, उन्हें हम घरेलू जानवर कहते हैं। हॉर्सेस डंकीज एंड एलिफेंट्स कैरी हैवी लोड्स फॉर अस। घोड़े गधे हाथी हमारे लिए वजनदार सामान ढोते हैं। हैन गिव्स अस एग्स, मुर्गियाँ अंडे देती हैं। गोट्स काउज एंड बुफेलोज गिव अस मिल्क। बकरियाँ गायें और भैंसें हमें दूध देती हैं। सो वी शुड फीड अवर डोमेस्टिक एनिमल प्रॉपरली, इसलिए हमें अपने पालतू जानवरों को उनकी अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। दे शुड बी गिवन एनर्जी रिच फूड, वे हमें शक्ति प्रदान करने वाला भोजन प्रदान करते हैं। वी शुड आल्सो गिव देम प्रॉपर शेल्टर एंड केयर, हमें उनकी अच्छी तरह से रखने का स्थान, रहने का स्थान और परवाह करनी चाहिए। थैंक यू।